आवश्यकता पड़ने पर हमें आदमी बनना ही चाहिए। एक आदमी था गांव में, रास्ते के ऊपर ही उसका मकान था। बहुत सारे लोगों के घर रहते हैं रास्ते में। कुर्सी डाल के दरवाजे पे ओटे पे बैठा, रोज का काम था उसका कि ओटे पे बैठ जाता कुर्सी डाल के। आज कोई रास्ता पैदल चलने वाला आया, बहुत दूर से प्यासा था, बहुत भयंकर। और गांव में हमेशा देखना आप, मटका रखा रहता ओटे पे टेबल के ऊपर भर के, बहुत सारे लोग रखते हैं उसको। पानी का मटका भी रखा हुआ था और व्यक्ति भी, मालिक भी बैठा था, पानी का मालिक, मकान का मालिक। एक आदमी प्यासा मार्ग से गुजर रहा था मस्तराम जी, तो उसने देखा कि पानी है, पिलाने वाला भी है, तो यही मांग लो पानी। भैया जरा पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से, बहुत लंबा समय हो गया, पानी नहीं था रस्ते में। तो सबसे पहले उस आदमी ने जवाब दिया प्यासे आदमी को, कहा कि तुझे क्या मैं पानी पिलाने वाला दिख रहा हूं? अच्छा, पानी पिलाने वाला दिख रहा हूं, उसने ऐसा कहा जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि पानी पिलाने वाले की क्वालिटी जो होती है वो लो होती है। और बहुत सारे लोगों को ये मूर्खता अज्ञानता होती है। आप किसी को खाना परोसो तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि हम बड़े छोटे हो गए। और किसी के आपको जूता सरकाने को कहा तो आपको जूता सरकाने में ऐसा लगता है कि हम तो गए काम से बिल्कुल, हमें तो, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं की इसने, बता हम जूता सरकाने वाले लग रहे हैं। जूता सरकाने वाला डिपार्टमेंट तो है ही नहीं भारत में, ना पानी पिलाने वाला डिपार्टमेंट है। उस आदमी ने कहा महाराज पानी पिलाने वाले आप लग नहीं रहे, पर मैंने तो कभी पानी पिलाने वाले देखे नहीं कैसे होते हैं। मैं तो ऐसे इंसान को ही देखा कि हम, मैं पिलाता हूँ जरूरत पे, आप भी पिला सकते हैं, तो आप मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है। अच्छा रुक जा, ठीक है प्यास लगी है तो मरे मत, पानी पिलवाएंगे, वो आ रहा है पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाला आदमी आ रहा है, यानी नौकर। तो पानी पीने वाला जो था वो थोड़ा मेरी तरह था, सारफ बुद्धि का। उसने कहा महाराज वो आदमी जो आ रहा है, अगर वो न आए, अगर आप दो मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, आप ही बन जाओ आदमी। आदमी आ रहा, आदमी। बहुत सारे लोगों के साधन बढ़ जाने से आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाता घर। आप रखिए, आदमी भी रखिए, पर आवश्यकता पड़ने पे हमें भी आदमी ही रहना, हमें भी इंसान ही रहना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। अच्छा आवश्यकता नहीं है तो नौकरों का प्रयोग करो, आदमियों का प्रयोग करो, जहाँ जरूरत है वहाँ यूज़ करो, पर कभी कभी नहीं है तो क्या करें फिर, क्या बैठे रहें? आज का ये पुण्य जाने दें क्या? ये क्या पता भगवान का रूप है, ये पानी के बहाने आया हो और अपनी परीक्षा ले रहा हो, क्या पता है? मुझे लगता है ये जो दृष्टांत मैं सुना रहा हूँ इसी को किसी ने सुनाया होगा, इसी के ऊपर शायद ये गीत लिखा होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आवश्यकता पड़ने पर हमें आदमी बनना ही चाहिए।